वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंसुलेशन एनर्जी के शेयर के लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कल के दिन इसमें हमें लोअर सर्किट देखने में मिलेगा या फिर अपर सर्किट देखने को मिलेगा या फिर ये नॉर्मल कंसोलिडेट करने वाला है तो चलिए वो तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही लेकिन अगर आज के प्राइस और प्रॉफिट की मैं बात करूँ बता देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलेशन एनर्जी आज के दिन दो हज़ार पर ट्रेड कर रहा है और आज के प्रोफिट की मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर लगभग चार साढ़े तीन से चार परसेंट का हमें रिटर्न देखने को मिलता है और यहाँ पर क्या है कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें कल के दिन परसों के दिन अपर सर्किट देखने मिला था लेकिन कल के दिन थोड़ा सा लोअर सैकड़ी यहाँ पर दो दिन पहले लोअर सर्किट देखने मिला है उसके बाद लोअर सर्किट खुला है तो यहाँ पर और कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन होगा कि भाई इसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं सब कुछ अच्छा है तो फिर इसमें स्ट्रॉन्ग पाँच का अपर सर्किट क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर तीन से चार का रिटर्न ही हमें क्यों देखने को मिल रहा है तो यहाँ क्या है कि नॉर्मली अभी मार्केट का थोड़ा प्रेशर है पैनिक है और दूसरा इसका वो पैनिक की वजह से और लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग यहां से भी ने एंट्री ली होगी यहां से यहां से तो ये क्या है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और दूसरा रीजन इसका मेन ये है अभी आप यहां पर देखिए यहां पर देखिए अगर आप नॉर्मल इसमें सिर्फ 100 शेयर खरीद सकते हैं और 100 शेयर के लिए आपको दो लाख तीस हजार रुपये इसमें आपको एक साथ आ, इन्वेस्ट करने पड़ते हैं तब जाके आप इसका शेयर खरीद सकते हैं तो वो क्या है कि बहुत बड़ी रकम है और इतनी बड़ी रकम अभी मार्केट सॉरी इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन इलेक्शन के टाइम पर ज़्यादातर लोग रिस्क लेना इतना बड़ा रिस्क छोटा मोटा होता तो फिर भी एडजस्ट हो जाता लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना नॉर्मल लोग अभी इसमें इंटरेस्ट इसीलिए नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमें ये कंसोलिडेट देखने को मिल रहा है बाकी कंपनी में पोटेंशियल है कंपनी बहुत ही तगड़ी ग्रो करेगी लेकिन बस ये क्या है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है उसकी वजह से और इलेक्शन का टाइम है की वजह से दो कारण है इसकी वजह से ये कंसोलिडेट कर रहा है और लोअर सर्किट तो नॉर्मल कंसोलिडेट कर रहा है लोअर सर्किट भी हमें नहीं मिल रहा है ज्यादातर तो यहां पर आप अगर आपके पास इसके शेयर है तो आप होल्ड कीजिए और अगर आप बाइक के बारे में सोच रहे हैं तो काफी अच्छा मौका है आप बाइंग भी कर सकते हैं लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बाइंग करना है आपको अगर लगता है कि सेमी गवर्नमेंट वापस आएगी तो ही आपको यहां पर बाइंग करना है या फिर आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क आप जितना भी रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं बाकी कल के दिन इसमें अगर बात करो तो नॉर्मल इसमें हमें तीन से चार परसेंट का कंसोलिडेट ही देखने मिलेगा और अगर मार्केट ज्यादा प्रेशर में नहीं रहा तो आप इसमें पांच परसेंट का स्ट्रोंग अपर सर्किट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं